जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब अलर्ट एंड प्रिपरेशन, जहाँ पर आपको मिलती हैं गवर्नमेंट जॉब की अलर्ट्स एंड प्रिपरेशन का मटेरियल, सिलेबस एंड मोर मच में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं RPSC द्वारा जारी एक विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन, जिसमें जूनियर लीगल ऑफिसर के बारे में सूचना दी गई है। यहाँ पर दोस्तों आज हम बात करेंगे RPSC द्वारा आयोजित की गई और की जाने वाली भर्तियों के बारे में। एनालिसिस वीडियो है तो दोस्तों बिल्कुल लाइव दिखाया जाएगा कि आपको इसमें गवर्नमेंट जॉब अलर्ट एंड प्रिपरेशन के लिए, तो आपको ले चलता हूँ मैं JLO रिक्वायरमेंट 2019। यू कैन सी हियर, यू कैन सी विजिट जूनियर लीगल ऑफिसर एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2019 2019-20, शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन। दोस्तों, एप्लीकेशन फीस 350 फॉर जनरल एंड अदर स्टेट्स के लिए, बिकॉज अदर स्टेट्स के एप्लीकेंट भी जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे। OBC एंड BC के लिए 250, SC एंड ST के लिए 150। एंड फ्रेंड्स, यू कैन पे योर फीस थ्रू कैश एट राजस्थान ई मित्र कियोस्क एंड सेंटर, एंड थ्रू डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। इफ़ यू हैव नेट बैंकिंग देन यू कैन पे योर फीस थ्रू द नेट बैंकिंग। एंड फ्रेंड्स, एप्लीकेशन बिगेंस 26 सेप्टेम्बर एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉरम 25 अक्टूबर 2019। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एग्ज़ाम की डेट है वो अभी नोटिफाइड नहीं हुई है, जल्दी ही सूचित कर दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड भी अवेलेबल कब होंगे ये भी आपको इस वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। वेबसाइट को, कौन सी वेबसाइट को ओपन करना है ये हम वीडियो के अंत में बताएंगे। दोस्तों, आपको जल्दी ही इसके लिए, जूनियर लीगल ऑफिसर की तैयारी के लिए, आपको सिलेबस और मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो समय समय पर हमारे द्वारा दी गई वीडियो को ऑब्जर्व करें और अवलोकन करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं YouTube चैनल के माध्यम से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिससे कि आपको RPSC द्वारा या किसी भी विभाग द्वारा जो जारी विज्ञप्ति है या जारी नोटिफिकेशन है या जारी कोई सूचना है, तो ऑथेंटिक सूचना मिलेगी। इसीलिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, तथा साथ ही साथ कमेंट करके लिखें अगर हमारा चैनल आपको पसंद नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, जिससे हम हमारे चैनल में कुछ सुधार कर सकें। दोस्तों, आपको लिए चलते हैं नेक्स्ट इसके एलिजिबिलिटी सेक्शन में। तो एलिजिबिलिटी सेक्शन में देखिए दोस्तों, इसके लिए फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एज 21 ईयर्स होना ज़रूरी है, तथा मैक्सिमम 40 ईयर्स, जैसा कि आप राजस्थान गवर्नमेंट रूल्स सर्विस के अधिनियम जो आता है वही है। इसमें एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया बैचलर डिग्री इन लॉ इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया के किसी भी कोने से अगर लॉ में LLB पास किया हो तो वह बैचलर डिग्री मान्य होगी। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। दोस्तों, राजस्थानी कल्चर के लिए यहाँ पर यूँ किया गया है क्योंकि यहाँ पर GK आने वाला है। तो जहाँ से हम पोस्ट की बात करें, तो जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए TSP एरिया के लिए दोस्तों ओनली 7 सीट हैं, वैकेंट सीट हैं 7, जो कि जनरल के लिए हैं। ST के लिए 4 हैं, टोटल हैं 11। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं
आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से जनरल के लिए 54 सीट हैं नॉन टीएसपी एरिया के लिए दोस्तों, और जैसा कि आपने पता होगा कि ईडब्ल्यूएस अब लागू कर दिया गया है, तो ईडब्ल्यूएस से भी यहाँ पर दोस्तों 14 सीट्स हैं, टोटल 145 सीट्स हैं। तो आज ही अपना फॉर्म भर दीजिए, अगर आप एलएलबी पास हैं, इसमें मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों, तो आप इंतज़ार मत करिए लास्ट डेट का। तो यहाँ से हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ ले चलते हैं, जहाँ पर आपको मिलेगी, आप देख पा रहे होंगे, अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हियर, डाउनलोड नोटिफिकेशन क्लिक हियर, डाउनलोड सिलेबस क्लिक हियर। दोस्तों यहाँ पर हम सिलेबस की जहाँ बात करें, तो सिलेबस दोस्तों सिलेबस की जहाँ बात करें तो पेपर फर्स्ट होगा इसमें। ऑल कम्पिटिटिव एग्जामिनेंस शैल इंक्लूड द फॉलोइंग पेपर्स एंड ईच पेपर शैल कैरी द नंबर ऑफ मार्क्स एज शोन अगेंस्ट ईच। दोस्तों पेपर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स थ्रू रिट्स फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट एंड अटॉर्नी जनरल। दोस्तों 50 मार्क्स का इसमें ये सभी कंटेंट हैं। पेपर सेकंड में आपको सिविल प्रोसीजर मिलेगा, कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मिलेगा, प्रोविजंस रिक्वायर्ड टू बी रेफर्ड जनरली इन गवर्नमेंट ऑफिसेज विल बी गिवन इम्पोर्टेंस। दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा जो भी गवर्नमेंट कार्यालय के द्वारा जो भी आपको महत्वता प्रोविजंस उपलब्ध करवाई जाती हैं, क्या क्या आवश्यकता होती हैं, तो उसके लिए 50 मार्क्स का सिलेबस है। दोस्तों पेपर नंबर थर्ड एविडेंस एक्ट के थ्रू भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता आप पढ़ सकते हैं। लिमिटेशन एक्ट है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेटस स्टेच्यूज एंड ड्राफ्टिंग एंड कन्वीएंसिंग। और दोस्तों जहाँ तक कि हिंदी की बात करें, तो हिंदी तो बहुत ही इजी है, इजी आने वाली है। यहाँ पर आप देखें तो ये जो शब्द रचना संधि विच्छेद एटसेट्रा, दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, शब्द ज्ञान में पर्यायवाची शब्द, युग्मों का अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयनावली। दोस्तों ये सभी हिंदी लैंग्वेज में आने वाले हैं, और दोस्तों इंग्लिश भी बिल्कुल, यहाँ पर इंग्लिश भी कुछ ग्रामर है, बहुत ही सिंपल ग्रामर आने वाली है, तो केवल साधारण ग्रामर को न समझ करके हमें इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मानना चाहिए, क्योंकि तो इसमें जितनी भी छोटी मोटी ग्रामर है पूरा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है एक कंपोजिशन को छोड़ के। तो दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस रिलेटेड सारी ग्रामर है, जिसमें अपन देखें तो इसमें मॉडल एक्सप्रेशंस के रीजंस पूछे जाएंगे कि ये क्यों आता है, ऑब्लिगेशन क्यों आता है, रिक्वेस्ट है, परमिशन के लिए क्या आता है, प्रोविजन के लिए क्या आता है। तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अगर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पे भी बात करें तो ज़्यादा नहीं, 5 से 1 दिन की तैयारी बहुत ही सफिशेंट रहेगी। एंड एक इम्पोर्टेंट बात करें दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ईच पेपर शैल बी ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन। पास मार्क दोस्तों यहाँ पर ये मैंने अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए पर पेपर आपको 40% एग्रीगेट करना है, पास मार्क शैल बी 40% इन ईच पेपर इफ योर फर्स्ट पेपर विल नॉट बी कंप्लीट एट लीस्ट 40%
40%, then your second paper will not be checked. So that's why you have to need 40% marks in each paper. So keep your study well and fill your form. Thank you so much. Keep watching my channel and keep watching my this video, and like, comment, share. Please subscribe. Don't forget subscribe my channel. Goodbye.